हेलो दोस्तों, मैं गौरव राज चौहान यूरेका टेक की तरफ से फिर एक बार एक वीडियो आपको लेकर के आया हूँ। और आज जो मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ वो सीसीटीवी का वीडियो। सीसीटीवी जैसा कि आप जानते हैं, क्लोज सर्किट टीवी जो होता है, कैमरा जो होता है, वो आज के समय में जो ये सीसीटीवी है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या बिजनेस हो, किसी भी तरीके के लिए ये जो है एक बॉडीगार्ड की तरह, थर्ड आई की तरह काम करता है। और ये बहुत ही जरूरी चीज बन गया है। आज के समय में इसका बहुत ही डिमांड है और बहुत ही जरूरी वाला चीज होने के कारण हर जगह लोग इसको लगवा रहे हैं और यूज कर रहे हैं। तो मैं आज इसी के बारे में बताने वाला हूं। और आज जो मैं बताऊंगा इसमें कि अगर जब ये जरूरी का चीज हो गया है तो कैसे ये जो चीज है, कैसे हम इसको लगवाएं, कौन सा चीज लगवाएं, ये जो कैमरा होता है, इसके साथ का जो सेटअप होता है, एक्सेसरीज होता है, वो कैसा होता है, क्या होता है, कहाँ से लगवाएं, कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, हमारे जरूरत के हिसाब से क्या हम करें, ये सारी वीडियो में हम आज बताने जा रहे हैं। और उपेंद्र सर जो है इसके इंस्टॉलेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। और आज वीडियो में सिर्फ हम यही लेकर के नहीं आए हैं, और उन लोगों के लिए ही सिर्फ लेकर के नहीं आए हैं जो सिर्फ इसको लगाना चाहते हैं। वैसे लोग जो इसको इसके साथ जुड़ करके, हमारे साथ जुड़ करके सीसीटीवी कैमरा का या सिक्योरिटी सिस्टम का व्यवसाय करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, ये घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं कि किस तरह का प्रोडक्ट लीजिए, कहां से लीजिए, जो आपके व्यवसाय के लिए, आपके बिजनेस के लिए बढ़िया है, और साथ ही साथ ये कस्टमर के लिए जो इसको यूज, एंड कस्टमर है जो इसको यूज करते हैं, इस कैमरा को जो यूज करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये आप कैमरा देख रहे होंगे जो आपके पास पड़ा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा डीवीआर जो ये सब पड़ा हुआ है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूँ और आगे जो है आपको उपेंद्र जी बताएंगे। तो फिलहाल मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, ये कैमरा है, ये जो इस तरीके का कैमरा है जो डोम टाइप दिखता है, गुंबद टाइप दिखता है, इसको एग्जैक्टली वैसा ही नाम भी है, डोम कैमरा बोलते हैं। ये आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। और ये जो कैमरा है ये है यूरेका आई, ये यूरेका आई जो कैमरा है, यूरेका टेक कंपनी जो है, यूरेका टेक सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर यूरेका आई जो है अपना प्रोडक्ट लेकर के आई, यूरेका आई जो आपको दिख रहा हूं। और ये जो है बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले तो हम इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही स्ट्रांग है इसका, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो बॉडी और इसका जो है हाउसिंग जो जिसको बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया है। और इसमें मेनली दो तरीके का कैमरा आता है, एक जो आप डोम देख रहे हैं, दूसरा ये जो है बुलेट है। अब डोम क्या होता है, बुलेट क्या होता है, ये कुछ अगर कस्टमर हैं जो लगाना चाहते हैं वो जानना चाहते होंगे, जिनको नहीं पता है। ये जैसा कि बुलेट कैमरा आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको यूरेका ही दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये जो डोम कैमरा और बुलेट कैमरा है इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ये जो डोम कैमरा है वो इंडोर के लिए होता है, ये इंडोर मतलब घर के अंदर वैसा जगह में लगाना है जहां पे धूप और बारिश नहीं आए, जहां धूप और बारिश नहीं पड़े, उस जगह इस कैमरा को लगाते हैं। और आपको जो ये दिख रहा होगा ये बुलेट कैमरा, ये कहीं से भी इसमें जो है धूल, धूप और बारिश, इन तीनों कंडीशंस में ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, कहीं से कोई इसमें धूल, धूप और बारिश नहीं जाता, उससे बचाता है। तो ये जो है मेनली आउटडोर के लिए, जो बाहर बाहर का इलाका होता है जहां धूप धूप बारिश है, वहां के लिए हम लोग यूज करते हैं। और इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस भी प्राइस का नहीं होता है, बट अब कहेंगे कि प्राइस का नहीं होता है, धूल धूप इनसे बचाता है, तो फिर हम बुलेट इंडोर में भी लगाएंगे, मर्जी है। बट इंडोर में जो है ये कैमरा ज्यादा अच्छा दिखता है, थोड़ा सा कॉस्ट भी इसका कम है। और ये जो है दोनों में आपको लेंस सेम मिलेगा, सेम। अगर जैसे कि इसमें जो हमारा कैमरा है, अभी आप देख रहे होंगे यूरेका आई कैमरा, इसमें चाहे वो डोम हो चाहे वो बुलेट हो,
हमारे पास 1 मेगापिक्सल में शुरू होता है, उसके बाद 1.3, उसके बाद 2 मेगापिक्सल और 2.4, 3, 4, इस तरीके से हमारे पास रेंज है अलग अलग कैमरा का मेगापिक्सल का। जो मेगापिक्सल होता है वो कैमरे की क्वालिटी को बताता है, और कस्टमर लोग सोचेंगे कि ये जो कैमरा है हमें कितना मेगापिक्सल से लेना चाहिए, तो बेसिक 1 मेगापिक्सल होता है, और ये जो है अभी हम लोग 4, 5, 6 मेगापिक्सल तक ले जाते हैं। जनरली आपको 2 मेगापिक्सल जो है उसके नाइट विजन, डे विजन या 1.3 भी लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहता है एज कंपेयर 1 मेगापिक्सल। आप जैसे जैसे पिक्सल्स बढ़ते जाएंगे आपको क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलेगी। तो और ये जो है हम लोग यहाँ से जो यूरेका आई का प्रोडक्ट दे रहे हैं इसमें रिप्लेसमेंट वारंटी है, दूसरी बात इंस्टेंट रिप्लेसमेंट वारंटी है, और चौथी बात ये है कि ये जो प्रोडक्ट है आपको ये इतना बढ़िया क्वालिटी और इतना बढ़िया सर्विस है, उसके बाद भी एज कंपेयर अगर मार्केट में जाते हैं तो रेट बहुत ही कम है। होल सेलिंग रेट पे रिटेलर्स को भी मिलता है एंड कस्टमर को भी मिलता है अगर वो डायरेक्ट कंसल्ट करते हैं, जैसा कि नीचे में नंबर आपको आ रहा होगा, नीचे में नंबर आपको हमारा मिलेगा या डिस्क्रिप्शंस में मिलेगा नंबर्स और डिटेल्स, वहां से जाकर के आप कॉल करके इस कैमरा को लगवा सकते हैं। अब इसके साथ जो है और क्या आता है, ये है DVR मशीन जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, और इसके बारे में ज्यादा जो है हमारे उपेंद्र सर बताएंगे, लेकिन फिलहाल मैं एक चीज और बता दूं जो लोग लेना चाहते हैं, वैसे यूजर्स, वैसे कस्टमर्स जो इसके साथ व्यवसाय करना चाहते हैं। बिल्कुल, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा और आपको फायदा भी होगा। सबसे पहले तो वैसे लोग जो इससे व्यवसाय करना चाहते हैं, बता दें कि इसमें सिर्फ 10,000 रुपये पूंजी लगा करके आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, ये गारंटी है, और एक अच्छा इनकम कमाएंगे जिससे कि आप स्टेबल फील करेंगे और डे बाय डे आप ग्रो भी करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ही कम प्राइस पे, होलसेलिंग रेट पे आपको ये प्रोवाइड करेंगे। सर्विसेज बहुत अच्छी मिलती है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ये जो है हमारा क्वालिटी जो है अभी लेटेस्ट है। लेटेस्ट कहने का मतलब कि कुछ लोग वैसे प्रोडक्ट ले लेते हैं कुछ पैसे के चलते, कुछ प्राइस के चलते जो आउटडेटेड होता है, जिसमें कि अगर 2 मेगापिक्सल से ऊपर अगर आप कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो ये DVR, ये जो मशीन है वो फंक्शनल नहीं करता है, उसके लिए अलग लेना पड़ता है। ये जो है हमारा HD DVR है, सबसे पहले मैं ये बता दूं 1080p पे वर्क करता है, चाहे वो चार चार चैनल ले, 8 चैनल ले, 16 चैनल ले, 32 चैनल ले। अब ये चैनल क्या होता है, तो चैनल DVR का होता है। DVR जो मेन मशीन हुआ जिसमें कि कैमरा वीडियो रिकॉर्ड करके जो DVR में आता है, और DVR में एक हार्ड डिस्क लगा हुआ रहता है जो स्टोरेज करता है उसको, वीडियो फुटेज को, ये मशीन जो है DVR कहलाता है। ये जनरली 4 चैनल, 8 चैनल, 16 और 32 ऐसे आता है। अब 4 चैनल का मतलब क्या है कि इसमें पीछे में आपको उपेंद्र जी दिखाएंगे कि 4 पोर्ट है और उसमें 4 ही कैमरा लगता है, मैक्सिमम 1 से 4 कैमरा लगा सकते हैं। जानना चाहते हैं तो इसका आगे भी वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे, और अभी के लिए जो आप देख रहे होंगे वीडियो, हम तो ये कहेंगे कि सबसे पहले आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आप हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे, हम अच्छे से अच्छा वीडियो लाएंगे, अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट लाएंगे सबके लिए, ठीक है। और कुछ इसमें जो पार्ट्स होता है आपको अगर दिख रहा होगा, तो ये SMPS है जो पावर सप्लाई के लिए यूज होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क मैंने दिखाई दिया आपको, ये मॉनिटर है, मॉनिटर पे आउटपुट आता है, ये मैंने आपको दिखा दिया जो 2 तरीके का कैमरा है, इसमें इसी तरीके का कैमरा आता है, बहुत सारे कैमरा जाता है इसमें, और जैसे कि मैंने बताया था 1, 1.3, 2, 2.4, 3, 4 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, इस तरीके से आपको इसमें कैमरा मिलेगा। और आगे का जो है इसके इंस्टॉलेशन के बारे में हमारे उपेंद्र जी बताएंगे, बट एक बार और निवेदन है आप लोगों से, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर कुछ थोड़ा हेजिटेशन हो तब भी कीजिए कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होए, अच्छा लगे, हमें भी आपका रिव्यू आएगा, कमेंट्स करें, उस हिसाब से हम और अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी चीज़ें आपके सामने एक अच्छे रेट पे लाएं, जो कस्टमर के लिए, एंड कस्टमर के लिए भी बढ़िया हो। कुछ लोग कुछ व्यवसाय बिजनेस करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट होना चाहते हैं, तो वो खुद का भी कर सकते हैं, उसमें भी हम लोग बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं, हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। और प्राइस, प्राइस अगर जानना है, प्राइस के बारे में जानना है, आप हमारे नंबर से कॉल करेंगे,
आपको सारा डिटेल्स, सारा कोटेशंस है वहाँ पे जो प्रोवाइड किया जाएगा, और आगे का वीडियो अब उपेंद्र सर कंटिन्यू करेंगे जिसमें सॉल्यूशन बताएंगे। बताइए सर। हाँ थैंक यू गौरव सर इन्फॉर्मेशन जी, देने के वेलकम लिए। वेलकम उपेंद्र जी। दोस्तों जैसे कि सर ने बताया सीसीटीवी के बारे में कि कैसे होता है, क्या होता है और कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और अगर आपको नीड है तो आप इसका जानकारी ले सकते हैं और आप अपने घर में भी लगवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सीसीटीवी जो है इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या जरूरत होता है। सबसे पहले तो ये जो देख रहे होंगे ये ब्लैक कलर का ये डिवाइस डीवीआर जो है ये चैनल वाइज होता है। जैसे कि ये देख रहे होंगे कि ये चार चैनल का डीवीआर आपको दिख रहा होगा, बोर्ड चार। अभी एक कैमरा हमने लगाया है इसीलिए कैमरा जो है ऑक्यूपाइड है, तो और इसके साथ जो है तीन खाली है। तो ये चार चैनल का डीवीआर का मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसका सेटअप करना है और क्या क्या चाहिए, क्या क्या जरूरत होगी। कैपेसिटी तो 8 और 16 और 32 का भी होगा जैसा आप 4 बताएंगे। हाँ, 8 भी जो इसका जो मल्टीपल आता है 4, 8, 16, 32 इस तरह सिमिलर से होगा, आता है। जितना आपको सिमिलर होगा नीड ना। है नीड के अनुसार जो है आप मशीन ले सकते हैं, और इसके अनुसार जो चैनल के अनुसार इसका रेट भी वैरी करता है। ठीक है, तो ये डीवीआर मशीन हुआ, सबसे पहले इसका नीड होता है। और जो है दूसरा इसका जो नीड होता है एक एसएमपीएस, ये पावर सप्लाई है जो कि जो हमारा कैमरा जो चलता है इस कैमरा को पावर देने के लिए हमको ये जरूरत पड़ता है एसएमपीएस का। ठीक है, और हम बताएंगे कि कैसे इसका वायरिंग होगा और कैसे कैसे आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने बताया आपको कि जो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के लिए एक डीवीआर की जरूरत होती है, एसएमपीएस की जरूरत होती है, और आपके जितना नीड होता है कैमरा का उसी अनुसार हम डीवीआर का चैनल भी होता है। डीवीआर में जो है एक मॉनिटर चाहिए आपको देखने के लिए। ठीक है, आप मॉनिटर को ऑफ भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम रिकॉर्डिंग मेरा चलते रहे और मॉनिटर हम ऑफ कर दें तो आप मॉनिटर को ऑफ कर सकते हैं और जो है डीवीआर को चालू रख सकते हैं। क्योंकि डीवीआर में जो है आपको जो रिकॉर्डिंग जो होता है वो आपको ये रीराइट होते रहता है ऑटोमेटिकली। ये हमारा हार्ड डिस्क देख रहे होंगे, अगर ये हार्ड डिस्क इसमें लग जाता है तो उसके बाद जो है ये जैसे कि 500 GB का हार्ड डिस्क मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि 500 GB का हार्ड डिस्क जब फुल हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली रीराइट हो जाता है। इंद्र जी एक चीज और जानना चाहेंगे यहाँ पे कि ये जो बहुत सारा कनेक्ट है, बीएनसी है, डीसी है, ये जो केबल इसमें यूज होता है, जो एक्सियल केबल जो बोलते हैं, ये इसमें कौन कौन सा क्या तार है, डीसी बीएनसी कैसे जुड़ता है इसके साथ, पावर की सप्लाई कैसे जाती है, बीएनसी कहाँ कहाँ कनेक्ट होता है, डीसी कहाँ कहाँ कनेक्ट होता है, जी, इसके बारे में आप जरा बताइए हमारे ऑडियंस को। बिल्कुल मैं आपको दिखा देता हूँ। एक देखिए ये हमारा कैमरा हुआ और कैमरा से दो केबल निकला हुआ है, एक जो है वो डीसी का है और दूसरा बीएनसी का। ठीक है, डीसी जो हम लोग कौन वाला एसएमपीएस डीएससी डीसी ये का है? डीसी का है, जो आपको ये बताइए। बड़ा दिख रहा होगा ये आपको बीएनसी का है, और ये आपको जो दिख रहा होगा ये आपको डीसी का है। तो इसको हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो डीसी जो है हम लोग को पावर सप्लाई जो आता है, पावर सप्लाई का जो वायर आता है जो ये सीसीटीवी का कैमरा का वायर होता है इसमें आपको 5 वायर होता है। ठीक है, दो तो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हो जाता है, दो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हो जाता है। जैसे आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि कनेक्ट किया गया है, इसमें देखिए ये जो केबल है ये डीसी का केबल है और ये बीएनसी का केबल है। ठीक है, ये दोनों कनेक्ट कर चुके हैं। इसमें हम कैसे जो है कनेक्ट होता ये है? देखिए ये एक जो है आप इस तरह से इस कैमरा को आराम से इसको खोल सकते हैं। ये देखिए आप वीडियो भी लॉस हो गया होगा, अभी मैं जैसे ही लगाऊंगा तो ये वीडियो जो है देखिए ये आ गया। इसी तरह से अगर आपका एसएमपीएस का भी वायर अगर कटा हुआ है तो आपका वीडियो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कनेक्ट है। और ये जो केबल है ये जो है ये जाके हमारे दूसरे दूसरे एंड एंड पे पे जो है हमारा जो डीवीआर है डीवीआर में जाके कनेक्ट हो जाता है, और इसका जो एक जो डीसी वाला जो वायर आता है वो एसएमपीएस में जाके कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि आपको देख रहे होंगे कि ये जो मैंने केबल दिखा रहा हूँ कि ये दो वायर देखिए आकर के ये एसएमपीएस में आके कनेक्ट हो गया, और एसएमपीएस को मैंने पावर दे रखा है। ये बेसिकली जो होता है हमारा कैमरा वो डीसी डीसी सप्लाई पे चलता है, तो इसीलिए हमको एसएमपीएस लगाना पड़ता है। अगर आप एसी लगा देते हैं डायरेक्ट तो आपका कैमरा जल सकता है, शॉर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप हमेशा ये एसएमपीएस से ही इसमें कनेक्शन देंगे। और जो ये देख रहे होंगे ये डीसी का आपने देख लिया कि एसएमपीएस से मैंने लगा रखा है। इसमें जो होता है रेड और ब्लैक मतलब माइनस और प्लस को आपको ध्यान में रखना होगा कि हमने अगर यहाँ पे माइनस प्लस कैसे जो है ऐड किया है,
और दूसरा जो है बीएनसी, बीएनसी देखिए ये जा करके जो बीएनसी का पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपको डीवीआर के पीछे दिखेगा, उस बीएनसी के पोर्ट में जाके लगा देना है, ठीक है। और बस ठीक है, यहाँ पे आपको चार पोर्ट भी दिख रहा होगा और एक जो है ऑडियो का दिख रहा होगा। इसमें अगर आप चाहें तो जो रिकॉर्डिंग जो है, रिकॉर्डिंग में आप ऑडियो रिकॉर्ड भी सुन सकते हैं कि कैसे जो है, कोई अगर चाहते हैं कि वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड हो तो वो भी इसमें हो जाता है, क्योंकि इसका जो है बस ये इसीलिए जो है ये एक वायर देखे होंगे ये फ्री है, ये वायर जो है जाके डीसी वाले ये ऑडियो वाले में लग जाता है, और जो हमारा माइक होता है उसको भी सप्लाई हमको देना पड़ता है, मॉनिटर के बारे में बताइए ठीक सर है ठीक कैसे है। अब रही बात कि ये मॉनिटर कैसे कनेक्ट होता है, तो देखिए डीवीआर है उसमें दो तरीका से, या तो आप वीजीए केबल के थ्रू या एचडीएमआई केबल के थ्रू जो है इसका वीडियो आउटपुट आप ले सकते हैं। तो रही बात ये डिस्प्ले पे, तो डिस्प्ले आप किसी भी तरह का डिस्प्ले लगा सकते हैं, चाहे आपका पुराना टीवी हो चाहे आपका मॉनिटर हो, वीजीए और एचडीएमआई सपोर्ट सपोर्ट करता करता है वो जो है आपको डायरेक्ट इससे चल जाएगा। और जो अगर वीजीए एचडीएमआई नहीं भी सपोर्ट करता है अगर, तो उसके लिए आपको कनेक्टर लगाना पड़ता है जो पुराना टीवी होता है, ठीक है। ये आपको डीवीआर दिख रहा होगा। अब हम लोग आते हैं कि इसमें जो है रिकॉर्डिंग कैसे होता है, तो ये आप बता रहे हैं कि ये जो है हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क इसके अंदर लगता है, इसमें ऑलरेडी जो है इसका जो पावर सप्लाई का वायर और रिकॉर्डिंग के लिए जो वायर कनेक्ट होता है वो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, आप इसको जब ओपन करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कैसे कनेक्ट करना है। कुछ इसके हार्डवेयर के बारे में बताइए कि कैसे ये एडवांस है दूसरों से और क्या है खूबियाँ, जरा हमें बताइए इसके बारे जी में। हाँ, ये जो हार्ड ये आपको डीवीआर जो हम लोग दिखा रहे हैं आपको बहुत ही लेटेस्ट और एडवांस वर्जन का है, यहाँ क्या पे हम बिल्कुल इसमें आईपी कैमरा चला सकते हैं? इसमें आईपी कैमरा भी चला सकते और हैं। ये आईपी कैमरा क्या होता है, आईपी कैमरा और इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए आईपी कैमरा जो होता है और ये जो है नॉर्मल आप जो देख रहे होंगे सीसीटीवी कैमरा, इसमें अंतर होता है कि जो आईपी कैमरा होता है वो बहुत ही एडवांस वीडियो जो है आपको प्रोड्यूस करता है, और बहुत इससे कम से कम डबल क्वालिटी उसका होता है, और वो एक सिंपल जो सीसीटीवी का कैमरा है इससे कनेक्ट नहीं होके वो केबल जो है लाइन केबल के थ्रू जो है कनेक्ट होता है, ठीक है। तो मैं अगले वीडियो में जो है आईपी कैमरा का भी जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे उसका कनेक्शन किया जाता है और कैसे आईपी कैमरा का क्वालिटी होता है और क्या होता है। सबसे पहले मैं ये डीवीआर का बता दूं कि ये जो डीवीआर है इसको हम लोग हाइब्रिड डीवीआर कहते हैं, हाइब्रिड इसलिए क्योंकि ये एनालॉग भी कैमरा भी सपोर्ट करता है, एचडी भी सपोर्ट करता है और आईपी भी सपोर्ट करता है, मतलब कि ये एनवीआर का भी काम करता है। इसमें अगर चार पोर्ट है तो कैसे हम लोग एनवीआर और डीवीआर का यूज कर सकते देखिए हैं? जैसे कि इसमें चार आठ का आता है, जैसे आठ का डीवीआर है तो अगर आप चाहें तो चार आईपी भी लगा सकते हैं और चार जो है ये नॉर्मल कैमरा भी आप लगा सकते हैं क्या इसमें। अगर मैं चाहूँ कि आठ अगर आईपी लगाऊं तो पॉसिबल है? नहीं, आठ में आठ पॉसिबल नहीं होगा, तो उसके लिए आपको 32 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 32 में जो नहीं, है हाँ मतलब अगर आठ का है तो उसमें चार हमारा जो है चार एयरटेल चार आईपी एनालॉग आप लगा चलेगा सकते और हैं, चार आईपी आईपी चलेगा। चला सकते हैं इसमें, ठीक है। कुछ इसमें जो ये है इसके बारे में कुछ हमें बताइए हाँ जी हाँ जी और बिल्कुल कुछ आप बताएंगे। ये जो आपको क्या क्या एलईडी है? दिख रहा होगा ये बेसिकली नाइट विजन के लिए होता है, और इसमें ये क्यू सीरीज का जो है एडवांस वर्जन का इसमें जो लेंस भी लगा हुआ है और इसका एलईडी भी लगा हुआ। पहले आप लोग देख रहे होंगे पहले जो कैमरा आता था उसमें मोटा मोटा एलईडी होता था, उसका उतना मतलब स्मार्ट एलईडी नहीं होता था, लेकिन आईआर हाँ हाँ इंफ्रारेड ये जो है उससे आईआर ज्यादा स्मार्ट है और आपको नाइट विजन बहुत ही क्लियर आपको मिलेगी इसमें। इसके हार्डवेयर के बारे में बताएंगे, स्टोरेज के बारे में हमें बिल्कुल डीवीआर का जी कैसे देखिए एडवांस है पहले ये बाकी बिल्कुल और सब? बिल्कुल ये जो है एडवांस डीवीआर इसलिए हम लोग इसको कहते हैं और मॉडर्न डीवीआर, क्योंकि ये जो है पहले आता था जो कैमरा आता था और डीवीआर आता था उसमें हम लोग अगर रिकॉर्डिंग करते हैं अगर 2 मेगापिक्सल का अगर कैमरा लगा देते हैं तो एक दिन का जो है कम से कम 32 GB ऑक्यूपाइड कर लेता था अप्रोक्सीमेटली। लेकिन ये जो हमारा आप देख रहे होंगे जो डीवीआर, इसलिए हमको इसको जो मॉडर्न और एडवांस डीवीआर कह रहे हैं, 2 मेगापिक्सल का 2 मेगापिक्सल अगर आप लगाते हैं कैमरा तो ये ओनली आपको जो 20 से 25 GB ही जो है ऑक्यूपाइड करता है, तो इसका ये भी फायदा है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा ये हमारा वीडियो, जैसा कि इंस्टॉलेशन के बारे में बताएं, आगे के वीडियो में हम लोग आगे आपको जो है बायोमेट्रिक भी लेकर के आएंगे, जी बताइए। बिल्कुल ये बायोमेट्रिक डिवाइस आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग बायोमेट्रिक डिवाइस भी प्रोवाइड करते हैं, और इसमें दोनों तरह से हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन पुश सारे तरह एसएमएस का चीज टेक्नोलॉजी पुश रहेगा, एसएमएस टेक्नोलॉजी के साथ जो है, मतलब कि अगर ऑटोमेटिकली अगर आप चाहते हैं कि पंच पे मैसेज जाए तो वो भी आपको चला जाता है इसमें, और इसमें जो है ये एक नॉर्मल आपको दिखा रहे हैं इसमें फेस आईडी वाला भी आता है
और वो भी हम आपको दिखाएंगे कि फेस आईडी वाला कैसे काम करता है। और ये जो हम लोग लगाते हैं, साथ लगाने के साथ साथ इसका ट्रेनिंग भी हम लोग खुद देते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। अब बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का ये भी आपको जो है जी इसमें आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा आपको मॉनिटर डिस्प्ले, है यहाँ पे ये जो है देखिए। हाँ फिंगरप्रिंट के लिए लेंस लगा हुआ जी है, ये कीबोर्ड है, और आगे के जो वीडियो होगा ना उसमें हम लोग ये बताएंगे इसके बारे में, आगे रिव्यू करेंगे। फिलहाल के लिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इतना ही करते हुए हम लोग आशा करते हैं आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिनको भी जरूरत होगा वो हमारे नंबर पे कॉल करेंगे, क्वेरी करेंगे, और हम लोग उनको जरूर 100% सेटिस्फाइड करेंगे। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू वेरी दोस्तों, वेरी थैंक यू।